हेलो स्टूडेंट्स, माय ब्लेसिंग्स एंड अफेक्शंस टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज द क्लास ऑफ 12th क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द 4th चैप्टर ऑफ द पोयम। इट्स नेम इज फ्रॉम एन एलेजी written in a country churchyard. It is composed by Thomas Gray. First of all, you must know what is the meaning of elegy. Elegy is a song of sorrow. Elegy is a song of sorrow, unhappiness, which is sung by a poet on the death of others. Thomas Gray was such a poet as changed the tradition. Before this poem, many poets composed, many poets wrote many elegies on the death of princes, queens and others, great people. But this poet changed the thinking. This poet, Thomas Gray, composed an elegy on the death of the poor villagers. अर्थात एलजी का मतलब होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए गाया जाने वाला गीत। इससे पहले मैं पोयम स्टार्ट करूं, मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा, फ्रॉम मीन्स से, एन मीन्स एक, एलजी मीन्स शोक गीत, रिटन लिखा गया, इन मैंने में, ए मैंने एक, कंट्री मीन्स देहात, चर्च यार्ड मीन्स कब्रिस्तान, मतलब एक देहात के कब्रिस्तान के पास लिखा गया एक शोक गीत। यह एक बहुत बड़ी कविता है, मतलब जो इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 स्टेंजाज देख रहे हैं, या इस पोयम में सिर्फ 5 स्टेंजा ही नहीं है, इससे और भी ज़्यादा स्टेंजा इस पोयम में है, उस पोयम से जिसका नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, उससे 4-5 स्टेंजा लिए गए हैं। मूल बात इसका यह है कि इन्होंने गरीब, असभ्य, गांव वाले, गंवार लोगों के मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए यह गीत या एलजी लिखा। इन्होंने इस सोच को बदला कि इस संसार में यदि बड़े लोगों को छींक भी आती है, बुखार भी लग जाती है, तो पूरी दुनिया में हो हल्ला हो जाता है, सारी दुनिया के लोग जान जाते हैं, लेकिन एक गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। वह चाहे कितनी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो। अब मैं इसका थोड़ा एक बार हिंदी सारांश बताना चाहूँगा। कवि महोदय एक कब्रिस्तान के पास खड़े हैं, शाम का समय है, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द चारों तरफ खेत है, उन खेतों में पशु चर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं, रात होने वाला है, यहीं से यह कविता शुरू होती है। रात होने से पहले, शाम समाप्त होते वक्त चर्ची घंटी बजती है, जो इस बात का इशारा करती है कि शाम होने वाला है। जो ही चर्ची घंटी बजती है, सभी पशु चरना छोड़ देते हैं, अपने अपने घर को किसानों के साथ, अपने अपने साथ ग्वालों के साथ, अपने अपने घर को वापस जाने लगते हैं। किसान भी अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस कब्रिस्तान के पास सिर्फ कवि महोदय अकेले बस जाते हैं और कोई बचता नहीं है। अंधेरा बढ़ रहा है, कब्रिस्तान में बहुत सारे देवदार तथा चीड़ के वृक्ष हैं। यह देवदार तथा चीड़ के वृक्ष बहुत ही पुराने हो चुके हैं और इन वृक्षों के नीचे बहुत सारे कब्र हैं,
इन कब्रों की मिट्टियां टूट रही हैं, झड़ रही हैं और इनसे जंगली घास ऊपर की तरफ उग रहा है और इन्हीं कब्रों के नीचे गांव के असभ्य, अनपढ़, गंवार, देहाती, अशिक्षित लोग हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं और वे हमेशा हमेशा के लिए इसी कब्र में सो रहे हैं। कई महोदय कहते हैं कि इन्हें अब कोई भी जगा नहीं सकता है। एक सोया हुआ आदमी जब अपने बिस्तर में सोता है तो सुबह के समय में, मॉर्निंग टाइम में, ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिन प्राकृतिक घटनाओं का आभास करके मनुष्य अपने बिस्तर को छोड़ देता है और वह जग जाता है और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करता है। जैसे सुबह के समय में ताज़ी हवा चलती है, फ्रेश हवा चलता है, हवा ठंडी चलती है जिससे हम महसूस होता है कि अब सवेरा हो गया है और बिस्तर आदमी छोड़ देता है। सुबह सुबह में मुर्गा बांग देता है जिसकी आवाज़ को सुनकर हम बिस्तर छोड़ देते हैं। सुबह सुबह में शिकारी बिगुल की आवाज़ बजाता है जो इस बात का इशारा करता है कि भोर हो गया है, सवेरा हो गया है और मनुष्य बिस्तर छोड़ देता है। सुबह के समय में वृक्षों से आवाबील पक्षियां चहचहाने लगती हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि अब सवेरा हो गया है, मनुष्य बिस्तर छोड़ देता है। लेकिन सभी प्राकृतिक घटनाओं का इन लोगों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जो सबसे मूल बात है वो कई महोदय यह कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे वैभवशाली लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं जो गरीब लोगों का उपहास करते हैं, उनकी छोटी छोटी खुशियों का मजाक बनाते हैं। यह बात सही है कि वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं और उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए वह छोटे लोगों का, गरीब लोगों का, मजबूर लोगों का उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे समाज में वैभवशाली लोग हैं जिनके पास शान और शौकत है, जो कुछ बोलते हैं भी तो वह एक इतिहास बन जाता है, कुछ करते, छोटी सी बात भी करते तो वह एक इतिहास बन जाता है। लेकिन गरीब, एक मजदूर, एक किसान सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मजदूरी करता है लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं बन पाता है। उनके इस छोटे से असंक्षिप्त इतिहास का महत्वाकांक्षी लोग, वैभवशाली लोग मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कवि महोदय इन महत्वाकांक्षी लोगों को, इन वैभवशाली लोगों को, इन शक्तिशाली लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु यह कभी नहीं जानती है कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, पढ़ा लिखा कौन है और कम पढ़ा लिखा कौन है, अशिक्षित कौन है, शिक्षित कौन है, वैभवशाली कौन है, गरीब कौन है, या मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु सबको एक न एक दिन आती है। अंत में कवि महोदय कहते हैं कि वैभव के सभी रास्ते सिर्फ और सिर्फ कब्र में जाते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह भी एक दिन मरता है, और कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कुरूप क्यों ना हो, वह भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो, और कोई व्यक्ति बहुत ही निरीह हो, इन दोनों लोगों को एक न एक दिन मरना है। इन दोनों लोग हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, क्योंकि मृत्यु सभी का समान रूप से प्रतीक्षा करती है। इस हिंदी को ठीक से बार बार सुनिएगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक स्टेंजा मैंने इस पर लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझिए। द कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब होता है चर्च की घंटी। टॉल्स मीन्स बजती है, द नेल मीन्स साउंड, ध्वनि। पार्टिंग मने जाता हुआ, व्यतीत होता हुआ। डे मीन्स दिन, अर्थात चर्च की घंटी बजती है, जाने वाले दिन का ध्वनि। अर्थात चर्च की घंटी बजती है जो इस बात का इशारा करती है कि अब दिन समाप्त होने वाला है और शाम आने वाली है। यानी कि यहां पर कवि महोदय ने साउंड, ध्वनि से इसका सेंस क्लियर करने का प्रयास किया है, अर्थात जब किसी सेंटेंस का, जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके साउंड से किया जाए तो उसका मीनिंग क्लियर हो, तो वहां पर हम अन्नोमोटोपोइया अलंकार जानते हैं कि वहां पर अन्नोमोटोपोइया अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो गया, चर्च की घंटी बजती है जो इस बात का इशारा करती है कि अब दिन समाप्त होने वाला है। द लोइंग मीन्स होता है रभाते हुए, हर्ड मीन्स होता है पशु। रभाते हुए मतलब जैसे पशु जब चलते रहते तो कुछ ना कुछ अपने अपने, बकरी अपने आवाज में बोलेगी, गाय अपने आवाज में बोलेगी, भैंस अपने आवाज में बोलेगी, बैल अपने आवाज में बोलेगा, ऐसे। हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड, और विंड, वाइंड मीन्स जाते हैं,
स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर माने से होते हुए, और द ली मीन्स चारागाह, मतलब रभाते हुए पशु चारागाह से धीरे धीरे जा रहे हैं। मतलब मैंने क्या बताया, कभी महोदय कब्रिस्तान के पास खड़े हैं, शाम का समय होने वाला है, खेतों में किसान काम कर रहे हैं, चारागाह में पशु चर रहे हैं, तभी चर्ची घंटी बजती है जो इस बात का इशारा करती है कि अब शाम होने वाला है, और चर्ची घंटी बजने के पश्चात पशु धीरे धीरे रभाते हुए अपने अपने घर को जा रहे हैं। और प्लाउमैन, प्लाउमैन मीन्स किसान, होम वार्ड मीन्स घर की ओर, होम मीन्स घर, वार्ड मीन्स की ओर, प्लॉट्स मीन्स जाते हैं, हिज माने अपने, वियरी मीन्स थके हुए, टायर्ड, वे मीन्स मार्ग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो वियरी आया है ये ऐसा लग रहा है कि मार्ग थका हुआ है, जबकि मार्ग थका नहीं है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को इधर उधर कर देना। अब थका हुआ कौन है, किसान, और थके हुए किसान भी चर्ची घंटी सुनने के पश्चात अपने अपने घर को जा रहे हैं। एंड लीव्स, और बच जाता है द वर्ल्ड, संसार, संसार मतलब क्या, मतलब जो कब्रिस्तान के आसपास का जगह है वह बच जाता है, टू डार्कनेस और अंधेरा बच जाता है, एंड मीन्स और, टू मीन्स मुझे, मतलब यहां पर कब्रिस्तान के पास अब कोई बचता नहीं है, सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ कवि महोदय अकेले यहां पर खड़े हैं। वेरी वेरी सिंपल रेफरेंस, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ए वर्ल्ड फेमस पोयम व्हिच नेम इज फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। कॉन्टेक्स्ट, इन दिस स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द इवनिंग टाइम नियर द चर्च यार्ड। द पोएट इज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, द पोएट इज स्टैंडिंग नियर ए चर्च यार्ड, द फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स, द कैटल आर ग्रेजिंग इन देयर पास्चर लैंड, द चर्च बेल रिंग्स, इट डिक्लेयर्स दैट द डे इज गोइंग टू क्लोज एंड द नाइट इज कमिंग, द नाइट इज अबाउट टू कम। आफ्टर रिंगिंग ऑफ द चर्च बेल द कैटल स्टार्ट टू गो देयर होम्स, एंड व्हाइल गोइंग देयर होम्स दे आर लोइंग, दे आर स्पीकिंग समथिंग, एंड द फार्मर्स ऑल्सो लीव their work and they are also returning to their homes. Now here near the churchyard only the poet is standing all alone, the darkness is increasing. Note in the first line onomatopoeia has been used, the curfew tolls the knell of parting day. आज के लिए मैं एक ही स्टेंजा बताऊंगा, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दो तीन स्टेंजा को एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।